नमस्कार, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा रावत। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। बता दें कि 27 अक्टूबर को भैया दूज पर्व के दिन केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। वहीं कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी भी केदारनाथ पहुँच सकते हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और उत्तराखंड एसटीएफ ने हरिद्वार जिले से 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि ये संदिग्ध आतंकी गजबाए हिंद आतंकी गिरोह के साथ हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की जांच में पता चला है कि एक रुड़की के नगला इमारती का रहने वाला है, जबकि दूसरा बांग्लादेशी है। दोनों संदिग्ध आतंकी अलकायदा इंडियन एंड जमानत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ये संगठन भारत में अपना नेटवर्क फैलाने में जुड़ा हुआ है। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत की जुबान एक बार फिर से फिसल गई। बंसीधर भगत ने महिलाओं और छात्राओं के सामने ये कहा कि जब विद्या मांगने की बारी आती है तो सरस्वती को पटाओ, शक्ति मांगनी हो तो दुर्गा को पटाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ, जिसे सुनकर वहां बैठी महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का हो गई। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर मंत्री ने लड़कियों को पुष्टिहार और सैनिटरी पैड्स का वितरण किया। गंगा में राफ्टिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ गंगा में राफ्टिंग कर रहे पर्यटकों की राफ्ट अचानक पलट गई, जिसमें पश्चिम बंगाल के एक पर्यटक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से पर्यटकों का दल ऋषिकेश घूमने आया था। उत्तरकाशी जनपद के द्रौपदी के डांडा 2 में हुई एवलॉन्च त्रासदी में मारे गए सभी 29 पर्वतराहियों के परिजनों ने NIM को जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों का आरोप है कि जब केदारनाथ सहित कई स्थानों पर एवलॉन्च आने की जानकारी थी और भूकंप आने के 2 दिन बाद शुरू होने वाले इस अभियान को क्यों नहीं रोका गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने लोगों को अंदर से झकझोर दिया है। लोगों की सहानुभूति अंकिता के परिवार वालों के साथ जुड़ी हुई है, जिसका कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं और अंकिता भंडारी के परिजनों की मदद के नाम पर क्राउड फंडिंग कर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। जबकि अंकिता भंडारी के माता पिता ने इस तरह की कोई अपील नहीं की है और ना ही उन्होंने किसी को कोई अकाउंट नंबर दिया है। साथ ही उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई है। जॉर्जिया जोन के बंद होने के कारण इस जोन में 57 नेचर गाइड समेत 300 से अधिक जिप्सी चालक और होटल व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है, जिसके बाद इस जोन को खोले जाने को लेकर कारोबारियों ने पार्क प्रशासन से वार्ता भी की थी। ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन ने NTCA से इस जोन को खोलने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद NTCA ने रिंगोड़ा क्षेत्र से जॉर्जिया जोन को खोलने की अनुमति दे दी है। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के हिंदी शारीरिक शिक्षा और सामान्य विषय के आंसर की कोई चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब इन विषयों के परीक्षा परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। आज कोर्ट ने मामले से जुड़े 30 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इस साल बाबा केदारनाथ धाम यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। केदारनाथ धाम की यात्रा के इतिहास में पहली बार अभी तक 14,35,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। अभी भी केदारनाथ के कपाट बंद होने में कुछ दिन का समय शेष है। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।